राम राम पेरेंट्स। अच्छा एंजल, गेस हू इफ यू कैन। ओके, क्लू अच्छे वाले हो तो मेरे लिए बायां हाथ का खेल है। अच्छा, ऐसा कौन है जिन्होंने अपने पिताश्री का वचन निभाने के लिए वनवास को एक्सेप्ट कर लिया था? डू यू नो पेरेंट्स? करेक्ट। हाँ, उन्होंने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाइयों के अटैचमेंट की मिसाल कायम कर दी थी। उन्होंने दया, सत्य, सदाचार, करुणा, मर्यादा, न्याय और धर्म का पालन करके राम राज्य एस्टेब्लिश किया है। और वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने मत, पंथ, धर्म संप्रदाय वाले लोगों का हार्ट उन्होंने जीत लिया था। हमारे पेरेंट्स को तो पता चल ही चुका होगा कि ऐसे ही श्री राम जी ने हमारे समाज के सामने बेस्ट एग्जाम्पल पेश किया है। और हाँ, आज इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। उनके यही त्याग, तपस्या और चरित्र के कारण आज राम मंदिर स्वागत योग्य है। और इसी श्री राम जी की प्रस्तुति के लिए 7th A के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये कहानी है उस ऐतिहासिक संघर्ष की जो 500 वर्षों तक चला। ये कहानी है उस तपस्या की जो करोड़ों भक्तों ने साथ मिलकर निभाई। ये कहानी है अयोध्या के राम मंदिर की। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई राम से रूठे राम पानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब हमारे राम लल्ला को उन्हीं के घर से बेदखल किया गया तो हम अपने घर में अपनी शान के साथ कैसे रह सकते हैं? मुगल शासकों के अत्याचार और अयोध्या की तबाही के विरोध में इस एक सवाल के साथ शुरुआत हुई थी सूर्यवंशी क्षत्रियों के विद्रोह की। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहां पे छिपेगा, कहां पे बचेगा। भाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित। 1949 में एक रात अचानक मंदिर में राम जी और सीता जी की मूर्तियां पाई गईं। सुबह जैसे ही ये बात सामने आई, अयोध्या का नजारा ही बदल गया। इस एक कदम ने अयोध्या के साथ पूरे देश की धार्मिक भावनाओं को एक अलग जोश से भर दिया था। छह दिसंबर 1992, हजारों कार सेवक भारत के अलग अलग कोने से अयोध्या में इकट्ठे हुए। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने यहां गोलियां और लाठी चलानी शुरू की, जिसमें कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई। आखिरकार 9 नवंबर 2019 कोर्ट ने राम जन्मभूमि को राम लल्ला को सौंप दिया। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे।
मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समझ ना पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समझ ना पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। और अब जनवरी 2024 राम मंदिर का पुनर्निर्माण एक लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद अब एक नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। तो आइए मिलकर राम लल्ला का स्वागत करते हैं। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से नरो बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी जीवन नैया तुमने पारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं बजा